वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कपूरथला लिंचिंग केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। गुरुद्वारे का केयरटेकर गिरफ्तार हो चुका है। हत्या की कोशिश का आरोप लगा था जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। गुरुद्वारे का केयरटेकर हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। सीएम चन्नी ने कहा था लिंचिंग मामले में बेअदबी नहीं सही जाएगी। सीएम के बयान के बाद गुरुद्वारे का केयरटेकर गिरफ्तार हुआ है। सीएम चन्नी बोले थे बेअदबी का कोई सबूत नहीं है। कपूरथला लिंचिंग केस मामले पर इस वक्त की बड़ी खबर, गुरुद्वारे का केयरटेकर गिरफ्तार हुआ है। हत्या की कोशिश का लगा आरोप, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। गुरुद्वारे का केयरटेकर हत्या के आरोप में गिरफ्तार। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमित कुमार संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, गुरुद्वारे का केयरटेकर हत्या के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। ये देखिए प्रियंका, अगर हम बात करें, पहले ये कोशिश की जा रही थी कि इसको बेअदबी का रूप दे दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही अनाउंसमेंट की गई थी कि व्यक्ति बेअदबी करने की कोशिश करता पाया गया। उसके बाद में जैसे समय बीतता गया, वर्डिंग चेंज होती, जहां पहले बोला बेअदबी करता पाया गया, बाद में वर्डिंग आई कि चोरी करने की कोशिश से आया था और बेअदबी करता हुआ नजर आया। उसके बाद जब और छानबीन हुई तो पता चला कि बेअदबी का मामला ही नहीं, बेअदबी का रूप दिया जा रहा है। क्योंकि हरमिंदर साहब के इंसिडेंट के बाद ये कोशिश की जा रही थी कि जो मामला था, जो पहले युवक को पकड़ा गया, पकड़ के बहुत बेरी में से पीटा गया, उसकी वीडियो वायरल की गई। अगर आप देख सकते हैं कि वीडियो में भी सीधे तौर में नजर आ रहा है कि युवक को पीटा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि क्या तू बेअदबी करने आया, किस मकसद है, युवक कुछ भी कहता हुआ नजर नहीं आ रहा था। खुद मुख्यमंत्री ने भी इस चीज के ऊपर संज्ञान लिया था और इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई कराने की बात की गई थी, जिसके बाद ये क्लियर हो पाया कि युवक बेअदबी के किसी भी सिलसिले से नहीं आया था और इसको बेअदबी का रूप देने की कोशिश की गई, ताकि जो अगर हम कहें कि अटेम्प्ट टू मर्डर या जो भी बेरहमी की गई उसको छुपाया जा सके। यार अब लगातार छानबीन की जा रही है, जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उन्होंने स्पष्ट किया बेअदबी का कोई मसला नहीं है। युवक को पहले चोरी का इल्जाम लग रहा था, पर अब उसको भी अगर हम कह सकते हैं कि मामले को घुमाने की फिर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। बेअदबी का मामला नहीं था, ये तो चोरी का मामला था। धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएम के बयान के बाद गुरुद्वारे का केयरटेकर गिरफ्तार किया जा चुका है। सीएम चन्नी बोले थे बेअदबी का कोई सबूत नहीं है, ये बेअदबी का मामला नहीं है, गुरुद्वारे का केयरटेकर गिरफ्तार किया जा चुका है। हत्या की कोशिश का लगा आरोप। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।